अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ कि तमाम कस्टमर सॉरी तमाम फ्रेंड्स ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफाजत में रखे। अल्लाह ताला सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। ये देखें जी, आज मैं बनाने लगी हूँ राइस। ये देखें माशाल्लाह, ये भगो के रखे हुए हैं, इनको हमने पानी में भगो के रखा है। ये मैं आज बनाने लगी हूँ मटर, आलू, और ये मैंने इसमें डालनी है गाजरें। ये मैं ना वो मंगवा के ना सुबस मिर्चें, उनको मैं ग्राइंड करके रख लेती होती हूँ फ्रीज में, फ्रीज़र में रख लेती हूँ। ये हो जाती हैं बिल्कुल, फिर जब भी हम राइस बनाने लगे ना तो हम इनको कर लेते हैं, डाल लेते हैं फिर अंदर। ये हमारा जी मसाला तैयार हो रहा है। अल्लाह ताला सबके खानों में, अल्लाह ताला सबके रिज़क में बरकत डाले, अल्लाह ताला सबकी मुश्किलें आसान करे। ध्यान से बेटा। ये जी अब हमने डालनी है इसके अंदर सब्ज़ मिर्च डालनी है। एक दफ़ा आप डालते हैं ना, ये हो जाएगी इसके अंदर मेल्ट बिल्कुल। मैं रेड चिली नहीं डालती होती, और ये भी मैं ऐसे काट के नहीं डालती, ग्राइंड करके ही इसको मैंने रखा होता है। ये मैं डाल लेती हूँ, बच्चे फिर बाहर निकालते हैं। मैं सोचती होती हूँ, कहती हूँ कि कोई चीज़ भी ऐसी ना हो कि जो बच्चे बाहर निकालें ना चावलों में से, सब ही खाएँ। और ये मैं टमाटर कटिंग किया, और ये इसका एक हिस्सा रह गया। अब मैं इसको इसके साथ कर रही हूँ लैदा, ताकि ये भी अच्छे से हो जाए। ये जी मटर भी मैंने फ्रीज़ करके रखे हुए थे, मैंने कहा अब ख़त्म करें। अब तो खैर वैसे भी मिल जाते हैं, लेकिन मैं फिर थोड़े से फ्रीज़ करके भी रख लेती हूँ। मैंने कहा इसको ख़त्म करते हैं, अब जो भी कोई चीज़ बनानी हो, मैक्रोनीज़ वगैरह कुछ भी ऐसा बनाना हो तो हम इनको ताज़ा ही मंगवाएंगे। ये पड़े थे अब, तो मैंने कहा अब ज़ाया ज़रूर करने हैं, चलो ऐसे ही बैठे बैठे अब प्लान बना के जी राइस बनाते हैं। तो खैर अब मैंने कहा राइस बना लेते हैं। ये जो हमारे राइस होने लगे हैं, तैयार हो रहे हैं। ये मैंने इनको भगो के रखा है, पानी कम डालूंगी ना। बेटा ये चिली है, सारे आपके हैंड पर अब जलन होगी, क्या मसला है? बुरी बात। अच्छा अब हबीबा सो रही है ना, उठेगी तो फिर। योगर्ट कम था, मैंने बच्चे को योगर्ट लेने भेजा, इधर होटल है हमारे पास। सारा मसाला हम आपके साथ शेयर करेंगे, हम जो तैयार कर रहे हैं।
आज हमारे बच्चे भी नहीं सोए, हम नहीं सोए, मैं बच्चों के हम कपड़े स्टिच कर रहे थे और बच्चे नहीं सोए थे, इसलिए आज हम नहीं सोए। मेरी सिस्टर इन लॉ आई हुई हैं, मेरी नंद है, वो आज हम लोग बैठी थी, उनको कपड़े सिलाई स्टिच कर रही थी, बच्चे भी नहीं फिर सोए ना हम सोए, तो अभी आज इनको भी नींद नहीं आई। तो तुम आप इधर ही खड़े हो, जाओ ना जी। एक बच्चे की तबीयत ख़राब है, उसने हम बोलवाना पानी पीना है, छोटा वैसे ही रोए जा रहा है कि जी मैंने भी पीना ही पीना। खैर नुकसान तो कोई नहीं है, बस उसको है कि जी मेरा है, मैंने अब वो क्यों पी रहा है। बस बच्चे पीना बस क्या करें, ऐसे ही करते हैं। मैंने जो चटनी होती है वो भी मैंने पुदीने की, उसकी मैंने जो मैं आपसे शेयर करती हूँ, उसको भी हम निकाल के लाते हैं बाहर। ये देखिए, ये मैंने पुदीने की चटनी भी इसको ग्राइंड करके रखी होती है, ये इसके ऊपर अब बर्फ है। खैर ये हो जाएगी ठीक, इसको बाहर रखा है थोड़ी देर में, ये ठीक हो जाएगी। ये पुदीना, टमाटर, धनिया, नमक, मिर्च, ये मैंने ग्राइंड करके रखी होती है, जब भी राइस बनाएं कुछ बनाएं तो मैं उसमें ऐड कर लेती हूँ, एकदम से फ्रेश नहीं बनानी पड़ती। फिर ऊपर फ्रीज की होती है वो, उसका भी अच्छा जायका होता है, ख़राब नहीं होती, फ्रीज करके रखती हूँ। अब हम इसमें सब्जियां ऐड करेंगे, सारी सब्जियां इसमें ऐड करेंगे। ये जी हमने इसमें किए हैं पटाटो ऐड, ये हमने इसमें पटाटो ऐड किए हैं, ये हम इसमें मटर ऐड कर रहे हैं। इसको फिर हम धो लेंगे बाद में, ये इसमें चली जाएंगी। माशाल्लाह देखिए कितनी प्यारी लग रही है, ये ऑरेंज ऑरेंज सी हैं, लेकिन जो होती हैं ताज़ा वो रेड होती हैं, जो मौसम के लिहाज से होती हैं, बाद में ये फिर स्टोर की हुई आती हैं गाजरें, और ये अब माशाल्लाह ऑरेंज ऑरेंज बड़ी प्यारी लग रही हैं ये, और चावलों में भी बड़ी अच्छी लगेंगी ना, ऊपर चावलों में बड़ा अच्छा लुक आएगा इनका। ये देखो ये हमारे सब्जी वाले चावल हो रहे हैं रेडी। नहीं करें ये तो खाली मिर्च है, हाँ जी इसको वाश करते हैं, इसके अंदर ये भी ऐड करेंगे, इसमें भी थोड़ा राखी जो है बाहर।
ये जी ये देखें ये पुलाव मसाला है, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी, थोड़ा जायका बन जाएगा। खैर ऐसे भी अच्छे बन जाते हैं, लेकिन हमें तो चलें ऐड कर देते हैं ये भी। हो गिर गया जी। हम बना रहे हैं, बाकी आप लोग सब लोग अपना ख्याल रखना, अपनी दुआओं में याद रखना, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। मैं बनाने के भी बाद में वीडियो, राइस तैयार होने के भी बाद में वीडियो बनाऊंगी, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।